लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड की बेटी पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। दरअसल देहरादून की रहने वाली पिंकी भारती की शादी उत्तर प्रदेश में रहने वाले ग्राम डूंगर जिला मुजफ्फरपुर में रहने वाले प्रमोद कुमार पिता स्वर्गीय सियाराम के साथ हुई थी। लेकिन 4-5 साल से परत का इल्जाम है कि उसके पति प्रमोद कुमार उसके साथ मारपीट करते हैं। आज इस महिला ने लॉकडाउन के चलते हमारे चैनल के माध्यम से संवाददाता कला सिंह, जो कि एक महिला पत्रकार हैं, उनको अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने यह सोचकर ये सारी कहानी बताई कि शायद एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार कब तक औरतों पर अत्याचार होता रहेगा। एक तरफ प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ ही घर के अंदर अगर मारपीट होती है तो फिर बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। पिंकी भारती ने बताया कि उनकी सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं आया। उनके पति ने इतने बुरे तरीके से मारा है कि वह ऐसी स्थिति में करें तो आखिर क्या करें। एम्बुलेंस को फोन किया, कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन पिंकी के परिवार वालों ने एम्बुलेंस के साथ जाने नहीं दिया। एम्बुलेंस वालों ने पिंकी से साफ साफ कह दिया कि उपचार के लिए ले जाने को हम तुम्हें ले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें वापस छोड़ने नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति में वह करे भी तो क्या करे। वहीं लॉकडाउन के रहते देहरादून में रह रहे उनके मम्मी पापा भी उनकी सहायता करने के लिए नहीं जा पा रहे। ऐसे में पिंकी भारती सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर सरकार से निवेदन कर रही हैं कि उन्हें न्याय मिले और उनका इलाज कराया जाए। आइए देखते हैं संवाददाता कला सिंह की इस खास रिपोर्ट में। टीवी वन इंडिया न्यूज वालों को मुझे निवेदन है कि मेरी मदद कर दो। मेरी मदद कोई नहीं कर पा रहा। मैंने थाने में भी करा, सब जगह करा, किसी ने मेरी मदद नहीं करा। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं का उत्तराखंड में है, ससुराल मेरे यूपी में है, मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरे पति ने मुझे मार पीट कर रख रखा है। मेरे कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे को मार पीट कर रख रहा है। मेरी मदद कर दो। मुझे कितना मार रखा, इतना डंडे डंडे से मार रखा। मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर भी मैं मार पीट कर खा रही हूँ। मैं मेरी मदद करो, मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरी जान बचा दो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। मेरे पति मुझे इतना मार रहा है, रोज मार रहा है मुझे। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी, कैसा करके रहूंगी मैं। मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी को भी डरा धमका रहे हैं। सारे परिवार वाले मुझे धमका रहे, परिवार वाले एक हो रखे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है। मेरे पति भी मुझे मार पीट के रख रहा है। कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मुझे मार पीट के रख रहा है। मेरा इतना बुरा हाल कर रखा जो मेरा सर दर्द हो रहा। मैं न सो पा रही, न खा पा रही हूँ। इतने दिन हो गए, रोज लड़ाई कर रहा, रोज रहेगा। मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद की जरूरत है। मुझे आपसे निवेदन है, मुझे मदद चाहिए। मेरे परिवार वाले, मेरे पति ने ये देखो, ये इतना बड़ा डंडा भी ले रखा, इससे भी मारा मुझे। ये तलवार भी कर रखा, ये तलवार से, इस तलवार से भी काटना चाह रहा था मुझे। फिर भी मैंने अपनी जान बचा के, कैसे कैसे करके मैंने अपनी जान बचा दी। मैं कब तक जेलूंगी, ऐसे लोगों का क्या भरोसा है। ये मुझे मार भी सकते। मुझे ये मुझे निवेदन है तुम आप लोगों से, मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे कैसा करके भी निकाल दो, मेरी जान बचा दो। मैं कैसा करके रहूंगी। मेरे माँ बाप देहरादून में रहते हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे, बहुत टॉर्चर कर रहे। सारे परिवार एक हो रहे के, मेरी गलती भी नहीं है, फिर भी मुझे मार पीट कर। एक छोटी सी बच्ची है, ये छोटी बच्ची के लिए भी इतना परेशान कर रहे। इस छोटी बच्ची का भी क्या कसूर है जी, इसे भी बार बार टॉर्चर कर रहे। क्यों कर रहे ये टॉर्चर। मैंने सारे जगह फोन करा, सारे पुलिस वालों ने, किसी ने मदद नहीं करी। एक तुम पत्रकार हो, पत्रकार से मैं आपको मदद चाहिए, आपसे निवेदन है, मेरी मदद करो।